ओके, रात के 3 बज रही हैं। मत पूछना कि भाई 3 बजे क्या कर रहा है। पता नहीं, पता नहीं। 3 बजे गेम खेलना मना है GTA। बोलते भूत आ जाता है, बट हम खेलेंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं फ्रैंकलिन का कजन। फ्रैंकलिन जो है वो अपने बाहर गए हैं, फ्रैंकलिन चाचा बाहर गए हैं। मैं हूं फ्रैंकलिन की सौतेली बहन का लड़का, ठीक है, यहां पर तुम देख सकते हो। तो एक्चुअली हम आए हैं फ्रैंकलिन के घर पर। बहुत दिनों के बाद हम फ्रैंकलिन के घर पर आए हैं। सबसे पहले भाई टीवी देखता हूँ, मैंने बहुत दिन से कोई टीवी नहीं देखी है। ये बटन दबाता हूँ, देखता हूँ भाई टीवी पे क्या आ रहा है। बच्चों को खाने वाला दरिंदा लॉस एंजेलिस में वापिस आ गया है। ये सच नहीं हो सकता, ये 20 सालों के बाद दोबारा पेनी वाइस लॉस सेंटोस में आ गया है। अगर आपको ये दिखे तो आप उस भाई वहां से भाग जाए। उठता हूँ उठता हूँ उठता हूँ, सोने जाता हूँ भाई, सीधे सोने जाता हूँ भाई, जल्दी से सोने जाता हूँ आराम से भाई, जो होगा सुबह देखेंगे। पेनी वाइस नहीं आ सकता भाई, लॉस सेंटोस में क्या करने आएगा पेनी वाइस है। चलते हैं भाई साहब सोने। ओ भाई ये कौन है? ओ पेनी वाइस कैसे आ गया? मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा, मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा, मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी 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 चल जल्दी सोने चले जा। पेनी वाइस नहीं है, पेनी वाइस नहीं है यहाँ पे, जल्दी 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 सो जा। सोने की बटन नहीं आ रही है, मैं सो नहीं सकता हूँ। ओके सो गए। भाई साहब सुबह हो गई है। रात में भाई मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा। सपने में ये था कि भाई पेनीवाइज मेरे को दिखा। हालांकि कल टीवी पे न्यूज आ रही थी कि जो पेनीवाइज है, आप अगर नहीं जानते हैं पेनीवाइज कौन है, तो पेनीवाइज एक बहुत बड़ा भूत टाइप का है जो कि लॉस सेंटोस में बहुत पहले आया था। और जब मेरी मम्मी यहाँ पे रहती थी, यानी फ्रैंकलिन की बहन यहाँ पे रहती थी, तब ये पेनीवाइज दिखा था। जब फ्रैंकलिन छोटा था तब पेनीवाइज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, और अब वो जो पेनीवाइज है वो दोबारा से दिखाया लॉस सेंटोस के अंदर। यार मेरे को नहीं पता है ये कैसे हो सकता है। चलो अभी तो छोड़ते हैं, अभी तो हम जाते हैं, अपनी साइकिल लेते हैं अंदर से, क्योंकि हम बाइक तो चला नहीं सकते हैं और शहर को घूमते हैं। ओके, मेरे हिसाब से पेनीवाइज जो था ना वो इधर कहीं देखा गया था ना न्यूज के हिसाब से, और बोल रहे थे कि 3:30 बजे आता है, रात में आता है सिर्फ और सिर्फ। हम चलते हैं भाई साहब इस जगह पर जहाँ पर पेनीवाइज देखा गया था। आराम से अपनी साइकिल से जाएंगे, देखेंगे भाई पेनीवाइज है भी कि नहीं है। वैसे भाई मुझे रात में दिखा तो था, कोई ना भाई ढूंढने चलते हैं पेनीवाइज को, देखते हैं कि भाई मिलता भी है कि नहीं। आराम से चलेंगे। अरे 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 अरे, मेरे को बाइक सीखनी पड़ेगी मेरे हिसाब से जल्दी से। फ्रैंकलिन चाचा से कहूँगा भाई सिखाओ। मतलब चाचा कहाँ से लगते हैं फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन तो मामा लगेंगे ना, लॉल। कोई ना, मामा हो चाचा हो कुछ भी हो, मैं रास्ता भूल गया था, इधर से जाना है भाई। बहुत दिनों के बाद आया हूँ यहाँ पर, क्या करूँ। अरे अरे अरे, गाड़ी वाले भैया देख के चलाओ, छोटा सा बच्चा चला रहा है। मतलब कैसे गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने यही नहीं देखा कि छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है? ये देखो कहीं पर भी अपनी गाड़ी ले आ रहे हैं। अरे ऐसे मत लाओ भाई कहीं पर भी गाड़ी, यहाँ पे घुमानी पड़ेगी मेरे को। ओके काफी दूर है भाई जहां पर हमें पेनीवाइज मिलेगा। वो बोल रहे थे कि टनल है, टनल के अंदर है कहीं पे पेनीवाइज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रात के 3 बजे ही मिलेगा वो। हम भी रात के 3 बजे का इंतजार करेंगे, हालांकि मैं तो ये रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई ना, आएंगे जाएंगे। नहीं पेनीवाइज मुझे मारेगा, रुको लेट्स गो। फ्रैंकलिन चाचा सॉरी, हाँ फ्रैंकलिन मामा को परेशान किया था भाई इस पेनीवाइज ने। इस बार हम देखते हैं कि भाई ये हकीकत में है भी कि नहीं। होगा तो भाई हम मार देंगे, क्या दिक्कत है।
ओ हो, फ्रैंकलिन मामा के पास भी काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, यहाँ पर भी सिटी में अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। ये देखो भाई, मेरे जितना अच्छा कोई भी साइकिल चलाने वाला नहीं होगा। देखो कितनी अच्छी साइकिल चला लेता हूँ मैं, ये देखो। ओके, इधर से भी रास्ता है, जहां पे गाइस न्यूज बताई जा रही थी वहां पर ही हम लोग चलते हैं। ओ भाई साहब, ये हो नहीं सकता, असली में पेनी वाइज हो। ए, ये कौन है? ओ भाई, भागना पड़ेगा। ओ भाई, पेनी वाइज यहाँ पर भी आ गया। जल्दी चलो। देखते हैं अभी भी है क्या पीछे। गायब? कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? गायब हो गया भाई। ओ भाई, मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा, मेरे को गन लेनी पड़ेगी, बंदूक लूंगा भाई, मैं मार दूंगा पेनी वाइज को। अब गुस्सा आ रही है मेरे को, फ्रैंकलिन मामा नहीं मिल रहे हैं, फ्रैंकलिन मामा से कहता वो मार देते वरना। रुको, अब मेरे को गाड़ी चलानी पड़ेगी, मेरे को बाइक उठानी पड़ेगी। देखता हूँ कि कहाँ पे गन मिलती है मेरे पास। गन ओके, पास में एक दुकान है गन की। ओके, बाइक चला लूंगा क्या मैं? ओह, मैंने बाइक चलाना कब सीख लिया यार। अब मेरे को बंदूक लेनी है, पेनी वाइज दिखा तो मैं मार दूंगा भाई उसको, दोबारा दिखा तो। कहाँ भी होगा लेकिन? ओ भाई, ओके ये दुकान है, लेकिन ये भाई मेरी उम्र के वालों को देगा क्या? ओके गाइस, तो मेरे को पता लग गया कि पेनी वाइज कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो मैंने कहानियां सुनी है उसमें ये है कि वो टनल में मिलता है, और यहाँ पर लॉस सैंटोस में एक ही टनल है जो कि ये रही। तो भाई मैं टनल में जाऊंगा, देखूंगा कि पेनी वाइज है भी कि नहीं, लेकिन अभी मेरे को रात का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो रात में ही दिखता है। तो रात हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं, और अब हम टनल की तरफ बढ़ रहे हैं और देखेंगे कि भाई पेनी वाइज हकीकत में है भी कि नहीं, और क्या भाई वो हमें मार सकता है कि नहीं, देखेंगे भाई। ओके, तो भाई बाइक अच्छी चला लेता हूँ भाई, फ्रैंकलिन मामा ने तो सिखाई भी नहीं है तब भी मैं चला लेता हूँ, उन्हीं के लक्षण आ गए मेरे में। ओके, कहाँ पे है पेनी वाइज? मेरे हिसाब से इधर ही कहीं टनल होती है, मेरे को पूरा अंदाजा नहीं है कि कहाँ पे होती है, लेकिन टनल होती है गाइस। ओके गाइस, तो मैं टनल के पास आ गया हूँ, ये यहाँ पे टनल रही आप देख सकते हो, और मेरे को यार एक आदमी मिला था उसको मैंने मारा, और मेरे को ये बंदूक मिल गई है उसकी। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि भाई पेनी वाइज कहाँ पर है। वो रात के 3 बजे दिखता है, अभी मेरे मोबाइल में कितने बज रहे हैं, अभी टाइम है 3 बजे के लिए, इंतज़ार करते हैं उसका। ओके गाइस, तो अभी 2:50 हो गए हैं, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, और अब 3 बजे के टाइम पे भाई पेनी वाइज दिखता है यहाँ पर कहीं पे। तो हम अंदर चल रहे हैं भाई, तुम देखोगे भाई ये बिल्कुल शहर से अलग जगह पे ये टनल है, अंदर जाएंगे देखेंगे भाई कहाँ पे है पेनी वाइज। ओके गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पेनी वाइज कहाँ पर है। बहुत अंदर आ गए हैं हम टनल के, बहुत नीचे के साइड, लेकिन पता नहीं पेनी वाइज कहाँ पर है। हालांकि मेरे पास गन है, अगर मेरे को दिखा मैं वहां पर ही मार दूंगा। लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई, ये टनल भी काफी बड़ी है यार, ये देखो कितनी बड़ी टनल है। जाते हैं भाई साहब, देखते हैं कि कहां पर है। ओ हो भाई, ये टनल मैंने पहली बार देखी है, अंदर तक देखते हैं क्या है। ओ, मेरे को आवाजें आ रही हैं, भाई कहीं से, लेकिन कहां पे है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां पर है ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं,
आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओ हो, इधर साइड वाली रास्ते में चलते हैं। ओ भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां पर है। ओ हो, भाई बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं, सही बता रहा मैं। ओ तेरे की, यहां पर होता क्या है? ये देखो, मेरे साथ खेलो। ओ भाई, ओरे रे 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 रे, मेरे हिसाब से बहुत अंदर है ये। ओहो, चूहा जा रहा भाई। मैं तो डरा गया था भाई चूहे से। ओह माय गॉड, ओके, इधर जाने के लिए बोल रहा है, कोई ना इधर जाते हैं। ओ भाई, ओ एक और चूहा। मेरे को दोबारा से आवाजें आ रही हैं भाई, पता नहीं किधर है ये। लेकिन ओ भाई यहां पे खून ही खून है। ये क्या है? ओ भाई, मुझे भाई अंदर से आवाजें आ रही हैं। ओ भाई साहब, ओ पूरा पैनी बॉयज। ओ भाई, ये क्या हो रहा भाई? स्क्रीन काली कैसे हो गई? ओ भाई क्या हो रहा? मैं पैनी बॉयज बन गया, लेकिन कैसे? वो फ्रैंकलिन का जो बोल कजन था, क्या था वो, मर गया क्या? ओ भाई, मैं पैनी वाइस बन गया। ओके भाई, कितना खतरनाक चेहरा लग रहा भाई इसका। कोई ना, लेकिन मेरा मन कर रहा है बच्चों को मारने का। किधर है बच्चे? मेरे को बच्चों को मारना है। एक बर्गर मिला बहुत देर के बाद। आजा, पेनी वाइज से मरेगा तू। और लोग को मारना है मुझे। ये पूरा पानी खून से ही भरना है भाई साहब। लेट्स गो। वो छोटा सा बच्चा मुझे मारने आया था। उसे बंद करके रख दिया भाई साहब। किधर है बच्चे? और बच्चे कहां पर हैं? मुझे और बच्चे चाहिए। इनके अंदर बंद करूंगा मैं। कीप क्लियर नहीं होगा, खून ही खून बहेगा। यस, खून ही खून बहेगा। ये मेरा घर है, यहां पर लोग मरेंगे। आगे चलता हूं। यस, ये जगह है जहां पर मुझे छुपना है। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, किसी को नहीं पता है इसके बारे में। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। ये देखो, ये मेरी जगह है छुपने की। और कोई है बर्गर यहां पर? और कोई मेरी जगह पे काम कर रहा है तो बताओ, उसे भी मार दूं।
फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन का था ना वो, अब फ्रैंकलिन ढूंढेगा उसे। यस। और अंदर जाता हूँ, सो जाता हूँ जाकर, सुबह और बच्चों को मारना है। बो रही मेरी सामने जगह, बो रही मेरी जगह सुबह। एक और बर्कर मेरी जगह पे एक और काम करने वाला, उनसे मना किया था यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, तू मरेगा, तू मरेगा, मेरी जगह मेरी टनल में तू क्या कर रहा है, तू मरेगा। देख 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 कौन है, भाग रहा है अब, तुझे क्या लगा पेनीवाइज कुछ कर नहीं सकता, पिस्टल से मार दूंगा तुझे। पेनीवाइज से लड़ेंगे, जाते हैं गाइस, सो जाते हैं, सुबह फ्रैंकलिन ढूंढेगा। ये है मेरी जगह। भाई बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ अपने घर पर, ये देख सकते हो भाई हम हैं फ्रैंकलिन। एक्चुअली गाइस हमारे घर पे हमारा दोस्त आया था, यानी हमारी बहन का लड़का आया था, और शायद से वो सो रहा होगा नीचे, ये हमारी बुगाटी अगर आपको ना पता हो। और सुबह से न्यूज़ आ रही है कि भाई पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया है इस शहर में। अगर आप नहीं जानते हैं पेनीवाइज कौन है, तो बचपन में भाई इस पेनीवाइज ने मुझे और मेरी बहन को बहुत परेशान किया था, मतलब सौतेली बहन को। और देखते हैं कि भाई क्या सीन है। वैसे मेरा कहाँ है भाई, मेरी बहन का लड़का कहाँ है, मेरी बहन का लड़का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सोना चाहिए था भाई, सो नहीं रहा है, कहाँ पर है, ऊपर देखते हैं। ओ भाई ऊपर भी नहीं है ये तो। ओके कहीं पर भी नहीं है, पेनीवाइज तो नहीं ले गया। ओ भाई कॉल आ रही, रुको। मैसेज आई है, मैसेज में लिखा है कि भाई पेनीवाइज ने भाई साहब उठा लिया, पेनीवाइज ने उठा लिया हमारे हमारे छोटे से आदमी बच्चे को, मेरे को बचाना पड़ेगा। चलो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में बचाएंगे जाकर पेनीवाइज को, मारेंगे और अपने डांटे को बचाएंगे। डांटे को भाई पेनीवाइज ने उठा लिया, मुझे अभी सोना पड़ेगा। ओके सो जाता हूँ। तो यार गाइस ये था एपिसोड पेनीवाइज मोड का। इफ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ इस वीडियो पे आते हैं 10,000 लाइक तो हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें जो फ्रैंकलिन है वो पेनीवाइज को मारेगा जाकर, एंड प्रोबेबली डांटे को बचाएगा, ये बचा पाएगा, अदरवाइज पेनीवाइज फ्रैंकलिन को भी पकड़ लेता है तो फिर हम पता नहीं कुछ कर पाएंगे भी कि नहीं। तो यार आज के इतना ही, मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, पीस आउट।